जा रहे हैं, ये हमारा फाइनल मीट है। मेरा अभी ऑटो थोड़ी देर में आने वाला है, सबका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियस है। आई डोंट नो मेरा आवाज़ आपको कितना आ रहा है, बट मैं अभी निकल रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मैं बात करूँगी तो मैं रो दूँगी। इट्स बेटर कि मैं बात नहीं करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बेस्ट हैं, आई लव देम। तो मैं पुणे एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, और पुणे एयरपोर्ट मैं बहुत सालों के बाद आ रही हूँ। लास्ट आई थी 2015 में, तब मेरा एमफार्म ख़त्म हुआ था और मैं घर जा रही थी, तो वो मेरा लास्ट ट्रिप था। एक बार ब्लूमी को छोड़ने भी मैं आई थी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आ गया है। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे ना ये सब कुछ भी अभी देखने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फिर से वो 16 मार्च दिन वापस दिला दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तन्या और फरीन को, और वो दोनों मुझसे कंटिन्यूसली फ़ोन और मैसेजेस में बातें कर रहे थे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। लेकिन क्या करें, जैसे कि पहले भी बोला ही, यही लाइफ है, आगे बढ़ना है। तो चलो, मेरा फ्लाइट भी आ गया है, बैठते हैं और पहुँचते हैं बेंगलुरु। Sleeping at this time, you know, the airport was absolutely shut. I've been flying for last 15 years. I've seen Pune transforming. There was no flights after 8 o'clock, I believe. And now you can see Pune is flying day in, day out. And that's true about all the airports. Well, full flight at this time of the morning. Good for the business, good for the aviation. Things are recovering. Anyways, I'll not bore you with this kind of thing. Anyways, we have a team, myself, Babijeet. Pradeep is the first officer. We have Ravina, beautiful lady here, taking care of your safety and comfort. She is leading the team. Aishwarya, Vaishnavi, Akmita and Shring, that's the team. हम बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि द्वार खुलने तक आप अपनी कुर्सी में बैठे रहें, कुर्सी की बेल्ट बांधे रखें। यह आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए है। तो पुणे टू बैंगलोर तो पहुंच गए हैं, एंड बैंगलोर पहुंचते साथ ही वो सारा मेमोरीज ताज़ा हो गया। जैसे ये फ्लाइट से उतर के मैं जाती थी, एंड मतलब वो जो एक्साइटमेंट होता था ना कोची से बैंगलोर पहुंचने का, एंड वो फिर से जब मैं कोची लौटती थी बैंगलोर से, तब मुझे इतना दुख लगता था, वही सब मुझे याद आ रहा था। एंड थोड़ा बहुत मुझे इमोशनल भी लग रहा था, क्योंकि बैंगलोर मेरे लिए हमेशा से स्पेशल है। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा मुझे डर भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरा फ्लाइट का ही, आप सबको पता है कि आज ही आने वाला है वो आसानी साइक्लोन, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डर रही थी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, और अभी मेरा जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो सुबह 10 बजे है, और अंडमान में एक साइक्लोन पता नहीं हिट हुआ या नहीं अब तक, क्योंकि घर पे कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है। उस साइक्लोन का नाम है आसानी, आप गूगल में भी चेक कर सकते हो। 21 मार्च 2022 को ही वो सीवियर होने वाला है, तो उसके लिए मेरा फ्लाइट कैंसिल हो सकता है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ एक्चुअली। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं एंट्री कर चुकी हूँ, और एंट्री करने के बाद मैं ट्रांसफ़र भी कर चुकी हूँ, मतलब ये साइड से एंट्री करी, यहाँ पे ट्रांसफ़र का डोमेस्टिक का ट्रांसफ़र। तो अभी मुझे फिर से यहाँ पे बोर्डिंग करवाना है, एंड मैंने ऑलरेडी मेरा लगेज तो दे ही दिया है वहाँ पे बोने में, और अभी जस्ट फ्लाइट आ जाए। मैं सोच रही थी मैं बाहर जाऊँगी, बट सच बोलूँ तो मन नहीं है मुझे बाहर जाने का, तो मैं इसलिए नहीं जा रही बाहर। बेंगलोर
के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ा हुआ है, तो उस बारे में बात ना करें तो कोई बात नहीं। और बेंगलोर का खाना पीना सब कुछ मैं मिस करती हूँ कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, कुछ कुछ चीज़ आपको हर वक्त नहीं मिलता है। तो अभी मैं थोड़ी देर में ही मैं अंदर, मतलब थोड़ी देर में, सॉरी, अभी मुझे बहुत सारा देर मुझे यहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ अच्छा सा सीट खाली है या नहीं। फरीन ने आते वक्त रोटी दे दिया था, मैं अभी वही रोटी खाने वाली हूँ। बहुत प्यारी है मेरी फरीन, एकदम मम्मा टाइप है फरीन मम्मा। थैंक यू। तो मेरे प्यारे प्यारे दो दोस्तों ने मेरे लिए खाना पैक कर दिया था। ये एक अलग फीलिंग होती है ना, मतलब कोई अगर आपके लिए खाना पैक कर दे और आप जब खाओ तो आपको इतना ज़्यादा ग्रेटफुल लगता है कि वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तो फरीन ने मेरे लिए रोटी बना दिया था और तनया ने भिंडी फ्राई ऑर्डर कर दिया था। तो वो खाकर मैं बोर्डिंग गेट की तरफ में गई, जहाँ पे कि मुझे उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली ऊपर चले जाओ, वहीं पे आपको हो जाएगा और देन बोर्ड आप चेक करते हुए रहना कि आपका फ़्लाइट कौन सा गेट से छूटेगा। बस वही था, तो मैंने वो भी कर लिया था एंड देन मैं अभी ऊपर जाने वाली हूँ। एंड सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है सिक्योरिटी चेकिंग मेरे लिए। सिक्योरिटी चेकअप हो गया है मेरा विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं लाउंज में पूछताछ करके आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ। लाउंज में 3 घंटा पहले एक्सेस है, तो इसीलिए मैं एक अच्छा सा जगह ढूंढ रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले पाऊँ। मेरे आँख आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा थकी हूँ मैं। ये ऊपर ही मैं जाने वाली हूँ बाय द वे लाउंज के लिए। तो ये देखिए मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे बस एक जगह दिख गया एंड मैं सो गई। मैंने 1.5 घंटा का एक नींद लिया वहाँ पे लेटे लेटे, वो जो सोफ़ा था ना उसमें, और इतनी टायर्ड थी कि सो भी गई और साउंड स्लीप नहीं हुआ बट थोड़ा सा तो नींद हुआ। मैं मुझे घर के लिए KFC लेना है, बोले नहीं है लेकिन कुछ लेकर जाती। इस बार पहली बार होगा मेरे पूरे लाइफ में कि मैं यहाँ से जा रही हूँ घर और मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। सो KFC लेकर जाऊँगी बस, और कुछ भी नहीं। और KFC लेकर मैं जाऊँगी लाउंज। मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ मेरा फ़्लाइट का डिटेल्स, यहाँ पे जो बोर्ड टंगाता है वो नहीं आया अब तक। वो आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। अभी तक मुझे गेट नंबर नहीं पता, नीचे से जस्ट मुझे भेज दिए है बोलकर कि आपका सब कुछ हो गया है, जस्ट ये बोर्ड चेक करना ताकि आपको गेट नंबर पता चल जाए। ये देखिए ये है वो बोर्ड जिसमें कि सारे फ्लाइट्स के डिटेल लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे KFC। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट नहीं है या फिर पिज़्ज़ा का कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा लेकर जाती मैं बस KFC ले जाऊँगी फ्राइड चिकन। बस ये यहाँ पे मेरा फ़्लाइट का नाम आ जाए, अभी तक 9:05 तक ही चल रहा है। आई डोंट नो यार, मुझे KFC पसंद नहीं होता है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना सबवे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबवे वहाँ पे मुझे मिला नहीं तो मैंने बस KFC उनके लिए ले लिया एंड देन पैक करवा लिया घर के लिए। चलो जाते हैं अभी घर। ये आज मैं डिलीवरी एजेंट बनी हूँ भाई लोग के लिए, KFC ले लिया, खुश हो जाएगा मेरा बड़ा भाई स्पेशली। सो KFC लेते लेते मैंने देखा कि मेरा जो फ़्लाइट का डिटेल्स है उस बोर्ड में आ गया था, तो मैं अभी मेरे पेट पूजा के लिए चले गए बैंगलोर का डोमेस्टिक लाउंज में। तो ये मैं नीचे वाले में गई, ऊपर वाले में कुछ तो मुझे बोले थे कि आपका कौन सा कार्ड है, ऐसा कुछ तो था। जाते साथ ही मैंने ऑमलेट खाया, मुझे यार ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इडली भी पसंद है लेकिन ऑमलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा फ्लफ़ी वाला जो ऑमलेट होता है ना, अरे वाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार मुझे बैंगलोर लाउंज का खाना इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे पास एक्चुअली 2 ऑप्शन थे, बैंगलोर एंड चेन्नई का, तो मैंने ना बैंगलोर ही इसीलिए लिया था। एक तो मुझे बैंगलोर में थोड़ा सा मुझे देखना था, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल कुछ नहीं था, जस्ट मुझे देखना था ऐसी, एंड साथ में मुझे ये लाउंज का खाना खाना था। तो इस बार मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पहले भी मैंने खाया मुझे पहले का खाना बहुत यम्मी लगा था। तो ये आ गया मेरा डोसा, डोसा भी उतना यम्मी नहीं था। उसके बाद मैंने मेरा फेवरेट फ्रूट ले लिया था जो है वाटरमेलन।
कमेंट करके बताना किसे किसे वाटरमेलन पसंद है। मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाटरमेलन लव है, सच्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ मुझे खरबूजा भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने पेट भर के खा लिया है, अभी मैं जा रही हूँ मेरे गाँव क्या बोलते हैं बोर्डिंग गेट में जो है 5, उसके बाद बैठते हैं वहाँ पे। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि क्या मुझे टेंशन नहीं है उस साइक्लोन का, आसानी का, तो है। मैं कंटिन्यूसली मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे दोनों भाई को कॉल करके पूछे जा रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और साथ में एयरपोर्ट में वहाँ पे एक टीवी था जिस लाउंज में मैं बैठी थी, और वहीं पे अंडमान का साइक्लोन के बारे में न्यूज़ दे रहा था। तो मैं ना जब तक फ्लाइट लैंड ना हो जाए तब तक मुझे श्योरिटी नहीं था कि क्या होगा। तो बस इस व्लॉग में बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे लेवल ऑफ टेंशन था क्योंकि कल मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है उसी के लिए। तो अभी देखो एयरप्लेन में बैठ तो गई हूं। तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकाली और इस तरह। तो चलो जी, घर जाने के लिए फ्लाइट में तो बैठ गए हैं। मैंने फ्लाइट में चढ़ने के पहले ही भाई को एक बार पूछा था, तो बड़े भाई ने कहा कि थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है लेकिन घबराओ नहीं, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्लाइट लैंड नहीं कर पाता है और वापस चले जाता है मेनलैंड पे, तो उसका एक आशंका अब मेरे माइंड में था। तो बस साईं बाबा के नाम से निकल पड़ी थी एंड मुझे उतना तो ट्रस्ट था कि बाबा कुछ ना कुछ कर ही देंगे। कल मेरा ऑफिस के कारण ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन था। और मेरा जो सीट था वो था मिडिल सीट, और मिडिल सीट ना हॉरिबल है क्योंकि आजकल ये विंडो सीट का अलग से पैसा देना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ा पैसे सेव कर लेती, उसके चक्कर में मैंने ये ले तो लिया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील होता है और मैं थोड़ा सा भी अच्छे से वीडियो नहीं कर पाई एक्चुअली। तो जब भी ये टर्बुलेंस के कारण बोल रहे थे ना कि सीट बेल्ट बांध दीजिए, वेदर ख़राब है, तो मुझे ना तभी ऐसा लग रहा था अरे क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। लेकिन देखते देखते एक्चुअली अंडमान भी पहुंच गया एंड मैं अच्छे से पहुंच गई, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। जितना आसानी ने शोर मचा के रखा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली। ये आसानी के लिए NDRF की टीम भी आ गए थे, तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस बारिश हुआ बहुत ज़्यादा कुछ कुछ जगह पे, मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे नहीं हुआ। तो ये देखो प्यारा अंडमान, सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें, थैंक यू। इनफैक्ट नॉन रेनी डेज से भी ज़्यादा आज मुझे अच्छा लग रहा था ऊपर से अंडमान, लेकिन आपको जैसा दिख रहा है क्लाउडी क्लाउडी मौसम है और कुछ कुछ जगह पे बारिश हो रहा है, उसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। तो मैं निकलने के बाद, बड़ा भाई तो नहीं आया था, छोटा भाई और सम्राट आया था, तो वो दोनों आए थे। और इस बार मैं गोलघर के घर नहीं जा रही हूँ, मैंने वीडियो पे आपको बोला ही है कि मैं गोलघर के घर पे नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारा घर बन गया है। तो मैं आज जाने वाली हूँ मेरे अपने घर पर, तो हम बस में जाने वाले हैं एयरपोर्ट से उधर। हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए हैं, मे आई हैव अटेंशन प्लीज, वी हैव अराइव्ड इन पोर्ट ब्लेयर, थैंक यू। उतरने के बाद इतना ज़्यादा रिलीफ फील हुआ ना, मतलब जैसे लैंड कर गया, ओम साई राम, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरा दोनों फ्लाइट बहुत ही स्मूथ था। एंड देन मैंने लगेज कलेक्ट किया एंड जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं बस में मेरे घर की तरफ चले गए। और मेरे घर जाने के लिए जो बस मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ वो AC बस है, ये गवर्नमेंट का ही बस है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है मेरे एक वीडियो पे कि अंडमान का AC बस का जो सर्विस है कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड देन क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा गांव साइड पे रहती हूँ तो थोड़ा बहुत कीचड़ वीचड़ था, लेकिन दैट्स ओके, घर तो घर ही होता है और अपना घर तो घर ही है। तो जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ वो है कोई। मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ी देर में ही कोला से मिलने वाली हूँ मैं। ये भगवान प्रणाम करे काले, ओम साई राम, ओम साई राम। मैं भी कोला से मिलने के लिए जा रही हूँ, आप लोग देखिए वो मेरे मुझे देखिए क्या कर रही है। कोला कोला
खोलो। हमारा चुनू बच्चा, हमारा चुनू। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। चुनू बच्चा, यार बस बस यार। अच्छा ना, अच्छा ना, अच्छा ना। नहीं तो मैं घर पे सही सलामत पहुंच गई हूँ, थोड़ा सा के फ्रेश हो गई हूँ, अभी खाना मैं खाऊंगी। एंड मेरी गोला भी एकदम ठीक है, थोड़ा सा मुझे दुबली दुबली लगी, लेकिन शायद मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, और जब मैं उसको देखी थी लास्ट तब वो लैक्टेटिंग मदर थी। अब तो उसके बहुत सारे बेबीज का भी डेथ हो गया है, साथ में उतना लैक्टेटिंग मतलब उतना दूध वो नहीं पिलाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, मतलब मैं जब गई थी, तो मे बी इसलिए। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ पता, खाना खाने वाली हूँ। दीदी ने बहुत कुछ बनाया है, मैंने दीदी के लिए भी KFC लाया था, मतलब उनको भी मैंने दिया है, और उनके लिए एक नाइटी लाया था, उनके हस्बैंड के लिए एक स्मार्ट वॉच उनको चाहिए था, मैंने वो भी लाया, तो खुश हुई। अच्छा लगता है सर किसी को से छोटे छोटे गिफ्ट करने से, कोई अगर खुश होते हैं। लेकिन इस बार मैंने मेरे भाई लोग के लिए कुछ भी नहीं लाया है, और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैंने ऐसा कुछ मतलब छोटा सा भी कुछ नहीं लाया, बस KFC लाया है जो कि हम शाम को खाएंगे, यही है। सो खाना खाती हूँ मैं अभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने बहुत ही सिंपल सा रैंडम व्लॉग बनाया है माई जर्नी फ्रॉम पुणे टू अंडमान, और एक्चुअली मैं थोड़ा सा सैड थी, तो इसलिए आई नो इस ब्लॉग में उतना जोश नहीं आया है जैसे कि जाने के वक्त में था, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दे, क्या और करूँ, दुखी थी थोड़ा सा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो मैं अपने नए घर पे हूँ, नए घर का टूर मैं बाद में आपको दूँगी, अभी तो नहीं दे सकती हूँ, घर पूरा मेस्ड अप पड़ा है, तो थोड़ा सा सेट हो जाओ कुछ, मतलब एक महीना तो लगेगा हमें सेट होने, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, हम ही हैं, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से आपको टूर देने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए, घर पे रहिए, बाय बाय, टेक केयर।